नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ जानवी यादव और आप देख रहे हैं एचएम न्यूज। दिल्ली का एक टैक्सी ड्राइवर फ्रॉड करने में बंटी बबली से भी एक कदम आगे निकल गया। उसने अपनी एक सवारी को ऐसा उल्लू बनाया कि उसको 90,000 का चूना लग गया। इसका पता जब पुलिस को चला तो वो भी हैरान रह गई। अक्टूबर को दिल्ली पहुंचे जॉर्ज वॉनमीटर को एक टैक्सी चालक ने करीब 90,000 रुपए का चूना लगा दिया। उसने जॉर्ज को बताया कि त्योहार के चलते शहर बंद है और वो फंस गया है। इस दौरान कुछ अन्य लोगों ने भी ड्राइवर का इस काम में साथ भी दिया। जॉर्ज ने पुलिस को शिकायत में बताया कि दिल्ली आने पर उसने एक टैक्सी किराए पर ली और पहाड़गंज के एक होटल चलने को कहा, लेकिन ड्राइवर ने रास्ते में लगे पुलिस बैरिकेड के पास गाड़ी रोक दी और कहा कि आगे सड़क बंद कर दी गई है। उसने बताया कि त्योहार के चलते आगे की सभी सड़कें बंद हो गई हैं, जिसके बाद वो उसे कैनॉट प्लेस में एक फर्जी टूर एजेंसी ले गया। इसके बाद टूर एजेंसी के लोगों ने भी उसे इस बात का यकीन दिलवाया कि त्योहार के चलते शहर बंद कर दिया गया है, लेकिन जॉर्ज को कुछ शक हुआ और वो टैक्सी छोड़कर एक ऑटो में बैठ गया, लेकिन ऑटो ड्राइवर ने भी उसे यही कहा कि शहर बंद है और वो कहीं नहीं जा सकता है, जिसके बाद सब मिलके उसको दूसरी टूर एजेंसी में ले गए और वहां पर भी उसे यही कहा गया कि शहर तो बंद है। इसके बाद वहां पर उसके जयपुर और आगरा में होटल बुक कराए गए। उसने वहां पर रुपए दिए और आगरा के लिए निकल गया। जॉर्ज आगरा पहुंचा और उसने पहाड़गंज के बुक कराए गए होटल से अपना रिफंड मांगने के लिए कॉल किया तो सच्चाई सामने आई। होटल के कर्मचारी ने जॉर्ज को बताया कि शहर बंद नहीं है और सभी सड़कें भी खुली हैं। इसके बाद जॉर्ज ने दिल्ली वापस आकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी टैक्सी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये थी हमारी आज की खास रिपोर्ट। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।